हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लू हैंगर्स। फ्रेंड्स, थंबनेल देख करके पता चल गया होगा आप लोगों को कि मैं आज किसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये जो पैंट है इसका फुल लेंथ है 40, लेकिन हमको 36 रेडी चाहिए, रेडी करना है। तो 36 में मैंने मार्क कर लिया। देखिए, अभी जो हिस्से में मैं काटूंगा उसमें मैं मार्क कर लिया हूँ। जहाँ मार्क किया था वहाँ मैं काट रहा हूँ। वो नीचे का पट्टी यहाँ लगाना होगा, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। तो नीचे में इसमें देखिए 12 हाफ हमको चाहिए। नीचे का जो पार्ट है उसको मैं काट लेता हूँ पहले, क्योंकि उसको लगाना है पैंट के नीचे, तो भी अब ओरिजिनल दिखेगा। यहाँ में एक सिलाई रहता है, वो सिलाई को खोल रहा हूँ। अभी देखिए किस तरह सिलाई खोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और प्लीज़ ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अभी मैं बेसिक लेवल का वीडियो डाल रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी एडवांस लेवल का भी वीडियो डालूँगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए ये हाई स्पीड में पहली बार मैं जींस स्टिच कर रहा हूँ। पता नहीं इसे का अच्छा लगा के पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। देखिए, इसको इंटरलॉक बोलता है। सेम कलर का धागा से इंटरलॉक मार लिया मैंने। इसमें थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल मार्जिन निकल गया। देखिए, इसको भी आराम से आप स्टिच कर लीजिए। अब ये जॉइन बहुत अच्छे से मिलाना होगा आपको। अगर जॉइन नहीं मिलेगा तो आपको दिखने में बुरा दिखेगा। बहुत अच्छे से जॉइन मिला के लेना है, क्योंकि प्रोफेशनली काम करने से बहुत कुछ देखना पड़ता है हम लोगों को। काम छोटा हो या बड़ा, फिनिशिंग अच्छा से होगा तो अच्छा लगता है खुद को भी, क्लाइंट को भी। देखिए, ये अगर आपको ज़्यादा हार्ड है तो मशीन का ऊपर है। अगर मशीन लोड ले पाता है तो नहीं कटने से भी होता है। अगर लोड नहीं लेगा तो आपको कट के निकल देना है। मैं पहली बार ये मशीन में जींस स्टिच कर रहा हूँ, लेकिन हमको मालूम नहीं है। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें स्टिच करने का। फिर एक बार बोलता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा ये चैनल आगे लेके जाने के लिए। सो प्लीज़ मुझे थोड़ा मदद कीजिए आप लोग। देखिए, ऑलमोस्ट एक पेर हो गया। ये देखिए, कट के हम निकाल दिया, क्योंकि कॉटन है, धागा नहीं निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और एक साइड है, इसको भी सेम वैसे ही जो इनको पहले मिला लेता हूँ। मिला लिया, आप लोग देखते रहिए, देखने से ही आपको समझ में आएगा। अगर जो समझ में आपको नहीं आता है
प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं आपको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। छोटा छोटा काम है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब भी सीखना। देखिए मैं किस तरह फोल्ड करता हूँ। ये ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट में हमको बताइए कि ऑलमोस्ट 99.9% आपको ओरिजिनल दिखेगा। देखिए दोनों को आप मिला करके देखिए, दिखने में ओरिजिनल लुक आया कि नहीं देखिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।